16 जनवरी को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट द्वारा आरोपी सिद्ध किए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला के जेल जाने के बाद इनेलो के अस्तित्व पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन पार्टी अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने साफ कर दिया कि पार्टी उसी तरह से काम करती रहेगी जैसे पहले करती आई है। उन्होंने कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और ओम प्रकाश चौटाला भी पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे। उन्होंने 22 जनवरी को आने वाले फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को फैसला आने के बाद पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की जाएगी जिसमें आगे की रणनीति की चर्चा की जाएगी। वहीं अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस पर सीबीआई के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए और हजकां सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई को भ्रष्टाचार के जनक के पुत्र के नाम से पुकारा। निश्चित रूप से सीबीआई ने हमेशा जो भी इस देश के अंदर मास लीडर हुए हैं, जब भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के गलत तरीकों से जो इन्होंने कारनामे किए उनको उजागर करने का प्रयास किया, उन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल करके उस देश के नेताओं को फंसाने का काम। और हमें पूरा विश्वास है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और जो हमारे दूसरे साथी इस केस में फंसे हैं वो निश्चित रूप से बरी आएंगे और हरियाणा प्रदेश की सेवा करेंगे। इस प्रकार के बयान वो लोग देते हैं जो देश की संपत्ति को लूट के खा रहे हैं। मुझे बहुत इस बात से आश्चर्य हुआ कि नवीन जिंदल जैसे लोग इस प्रकार का बयान देते हैं जो स्वयं 52,400 कुछ करोड़ रुपए कोयले घोटाले में जिनके ऊपर आरोप लगा। चाहिए तो ये था कि पहले उसकी इंक्वायरी कराते, उसके बदले तो मीडिया के लोग बोलते हैं तुमने तो जेल में बंद कर देते हैं। और कुलदीप बिश्नोई जी भ्रष्टाचार की आज बात करते हैं, एक बात और कहते हैं कि इनकी दुकान में तो सामान ही खत्म हो गया। उनकी दुकान में तो एक आप एक उनकी बीवी है, इसके अलावा तो उनकी दुकान में कुछ नहीं है, उनकी दुकान का सामान तो है ही नहीं। अरे हमारी पार्टी का इतना बड़ा संगठन है और आज जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश जानता है कि आज उनके पास जो संपत्ति उनके पिता श्री जी ने दी हुई है वो सारी की सारी किस तरीके से अपनाई गई है। उनको तो भ्रष्टाचार का जनक कहा जाता था, आज वो इस प्रकार की बातें। गौरतलब है कि 3,206 जेबीटी टीचर्स की भर्ती घोटाले में लिप्त चौटाला परिवार के लिए 22 जनवरी का दिन बेहद अहम होने वाला है। तो वहीं हरियाणा की राजनीति के लिए भी बेहद खास होगा क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में भारी हलचल के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।